नानी 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 नानी, फिर से सुसु कर दिया। मुझे कितनी बार समझाया था कि सुसु आए तो बाथरूम में जाना चाहिए, बताया था कि नहीं? नहीं माँ, मैंने रात को आपको बुलाया था, आप खुद मुझे बाथरूम में ले जाकर मेरी पैंट उतार कर शुशु करवाई थी, और मैंने शुशु की भी थी, लेकिन वो सब मैंने सपने में किया था। मेरे बहुत बात कर रहे हैं, चल। कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? इनकम टैक्स ऑफिसर्स रेड करने को आए हैं। तुझे मना किया था ना? ए जारा! ये क्या? ये क्या है सर? ये कुत्ते को दो पूंछ कैसे आ गई सर, बताइए ना। हमने जुड़वा कुत्ते पैदा करवाने की कोशिश की थी, पर गलती से दो पूंछ वाला कुत्ता पैदा हो गया। तब तो ये और भी ज्यादा डेंजर कुत्ता होगा। लगता है आप कंफ्यूजन में हैं। कुछ पीना चाहेंगे क्या? पीना है सर, क्या पिलाएंगे आप? फिर तो आप नारियल पानी पीजिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अम्मा, आप तो मुझे नारियल पानी पिलाने वाले थे सर, ये आप क्या करने जा रहे हो? कहीं आप मेरा गला तो नहीं घोटने वाले हो सर? शट अप। ये क्या सर? ये नारियल तो हमारे गांव के नारियल से बहुत छोटा है सर। यही हमारा साइंस है, बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना। अरे इसी बात की ही तो हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं, नॉर्मल चीज हमें पसंद नहीं। अब तो हमें लगता है कि आपकी सोच को भी छोटे से बड़ा करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कट एंड गिव। ओके। नो। अरे भाई ये शुगर फ्री है, अगर इसे पीने से कुछ हो गया तो चलो यहाँ से निकलो फौरन। अरे मैं कहाँ निकलूँ यहाँ से? पापा, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। अगर 12वीं में तुम भी फर्स्ट क्लास आए ना, तो तुम्हें इससे अच्छी बाइक दिलवाऊंगा, ठीक है ना? नहीं, मुझे अभी चाहिए। अभी तुम छोटे हो नानी। क्या चाहिए? अभी से भी बाइक चाहिए। व्हाट? हाँ, मुझे भी बाइक चाहिए। हाँ, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। इतना बड़ा हो गया फिर भी गोदी में बैठा है, चल उतर नीचे। हाँ चल, बाइक चाहिए, चलिए। सिर्फ पोस्टर रामायण का है। क्या लग रही है यार, मिल जाए तो। किशोर,
किशोर मैं भी आ रहा हूँ। ए तेरा क्या काम है, चल जा यहाँ से। ए जल्दी चल, जल्दी किशोर, किशोर जा यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे रुको ना। क्या हुआ बेटा? मुझे क्या मालूम, हम तो टीवी देख रहे थे, नानी ने ही कुछ किया है। अच्छा तू क्यों करता इतनी मस्ती, इतना भी चल, तेरी वजह से हम लोग टीवी नहीं देख पाए। चल दोबारा ऐसा करेगा ना मारूंगा ना। बोल क्या हुआ, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? इसने घर का मेन स्विच जला दिया। स्विच बंद किया, स्विच बंद कर दिया। नानी कितनी बार समझाया तुझे, तू समझता क्यों नहीं? तू कब तक हमें परेशान करेगा? हाँ सुनिए जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे इसको जन्म नहीं देना है। ये तो मेरी जान खा रहा है, आप इसे कहीं पर छोड़ कर आ जाइए, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। नानी हाँ हाँ, कितने बार समझाया तुझे, तू समझता क्यों नहीं है? अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिंदा कर दूंगी तुझे। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं तुझे? हाँ जो भी कहना चाहते हो वो सब मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारी उम्र है 8 साल पर सारी डिमांड्स हैं 27 साल की, तो या तो तुम अपनी उम्र 27 साल होने तक इंतजार करो या फिर आज ही तुम्हें 27 साल का बना देता हूँ। ये हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी 27 साल का नौजवान बना सकता हूँ। मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ। डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझ पे हंस रहे हो। तुम्हें पता नहीं मेरे पास एक दवा है, अगर मैंने तुम्हें वो दवा दे दी तो तुम अभी 27 के हो जाओगे। 27 साल के हो जाओगे। अगर वो दवा लेने के बाद मैं मर गया तो? मरने तो तुम वैसे भी जा रहे थे ना, तो ये इंजेक्शन लेने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सुनो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ओके लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? ऐ छोटू, तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दफा हो जाओ, आउट, और मुझे आकर कभी डिस्टर्ब मत करना।
Hey! Yeah! Yeah! You're my boss! Yes! You're my creation! Yeah! You're my friend! Yeah! But one thing I'm sure, सारी जवान लड़कियों की नींदें हराम कर दोगे तुम. World is yours. Go. इसने तो मेरी मदद की थी, मैं भी इसकी मदद करूंगा. तुम्हारी आंख में गई थी. सोच रही हूं मैंने कैसे निकाला. मेरी माँ ने सिखाया. दीपक. कौन है बे तू? मैं हूँ नानी. What? नानी यार नानी. ए ए दीपक रुक रुक. ए दीपक रुक ना. दीपक 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 वीर तुम बड़े चलो. वीर तुम बड़े चलो. सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो. तुम कभी रुको नहीं. तुम कभी झुको नहीं. वीर तुम बड़े चलो. वीर तुम बड़े चलो. वीर तुम बड़े चलो. वीर तुम बड़े चलो. तू नानी तू बड़ा कैसे हो गया? क्यों बे कोई अपनी माँ से नाराज होकर ऐसा काम करता है क्या? तूने एक पागल की बात मानी और खुद पागल हो गया. ए, मुझे जो बोलना है बोल, लेकिन उस साइंटिस्ट को कुछ मत बोलना. वो मेरे लिए मेरे पापा जैसा है. उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. अब तू ही देख, मैं जब चाहे आइसक्रीम खा सकता हूँ, जब चाहे चॉकलेट खा सकता हूँ, और जो चाहे कर सकता हूँ. और ये सब हुआ है उस साइंटिस्ट की वजह से. इसलिए उसे कुछ मत बोलना प्लीज. ओ सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था. थोड़ा नहीं बे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था. तू ज्यादा बड़ा हो गया, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाला दिख रहा है. तुझे पता है तेरी माँ तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है. तूने उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? तुझे पता है अगर मैं गुम हो गया तो सबसे खुश होगी मेरी माँ. पता है पापा से क्या बोलती थी? मैंने आपसे कहा था ना एक ही लड़का काफी है. अब इसे कहीं बाहर जाकर छोड़ दो तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी. इसीलिए मुझे ऐसा बनना पड़ा. अबे रो मत, चुप हो जा नानी. चुप, रो मत ना यार. नानी तू बड़ा हो गया यार. नहीं मैं नहीं चुपूंगा. मैं ऐसे ही रोते रहूंगा. नहीं मैं ऐसे रोते रहूंगा. नहीं ऐसे रोते रहूंगा. अरे चुप हो जा नानी. अरे आपने लिख लिया ना? मैंने सब लिख लिया है. जरा सुनिए. नाम नानी. उम्र 8 साल. स्कूल डॉन बॉस्को. गायब होने की तारीख 10 दिन मंगलवार. माँ से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया. हाँ.
उस दिन बहुत तगड़ा तूफान भी आया था, इसलिए उसकी माँ बहुत डर रही है। ये सब भी मैंने लिख दिया, ठीक है? पूरा सही से लिखा ना? लिख भी दिया और पढ़ भी दिया। ठीक है, फिर जाइए ना। आपको जाना पड़ेगा। मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी जाइए ना उसे ढूंढने। ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग? मेरे बेटे को ढूंढना नहीं है, जाओ ना जल्दी ढूंढो उसे। कहाँ भाग रहा है? क्या मैडम, क्यों तंग कर रही हैं आप? अरे आप जाइए ना, मैं ढूंढता हूँ। बाद में कब ढूंढेंगे? जाओ अभी जाकर ढूंढो, आपको इसी बात की पगार मिलती है ना। देखिए मैडम, सिर्फ आपके लड़कियों को ढूंढने के लिए हम पगार नहीं पाते हैं। आज के दिन चार चार लड़के और गायब हुए, पता है? हाँ, चार और लड़के गुम हो गए हैं। और ये जानकर भी आप यहाँ बैठे? अकल नहीं आपको? आपको तो बाहर जाके उन्हें ढूंढना चाहिए ना। आप कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहते हो, इसलिए आपका पेट निकल आता है और मोटे होते जाते हो। मेरा पेट बड़ा हो गया? मैं मोटा हूँ? हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगी। क्या कर लोगे तुम लोग? सुनो, अगर दोबारा ऐसा कुछ बोला तो धक्का मार कर बाहर निकलवा दूंगा, याद रखना। हाँ, बाहर कर दोगे? बाहर कर दोगे? हाँ, चल दे, मुझे बाहर कर दे। मैडम, अरे रुको, क्या कर रही हो? अरे मैं बात करता हूँ ना, इन लोग अपना काम करेंगे। सर आपने कंप्लेंट लिख ली ना? अरे भैया लिख ले, इनको लेकर जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। अरे तुम परेशान क्यों हो रही? चलो मैं बात कर रहा हूँ ना। शीतल, शीतल मेरी बात सुनो, रोना धोना बंद करो, ये लोग अपना काम करेंगे, चलो मेरे साथ, तुम चलो, चलो सब ठीक हो जाएगा, ये लोग ढूंढ लेंगे नानी को। चलो एक मिनट। अब क्या हो गया? सुनिए, आपके पास बच्चे हैं? है मैडम। कितने बच्चे हैं आपके पास? एक ही है। उम्र कितनी है? 5 साल। आपका बेटा कभी आपको छोड़ के गया है क्या? नहीं मैडम। फिर आप मेरी तड़प नहीं समझ पाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो प्लीज। प्लीज प्लीज ढूंढिएगा। प्लीज। मैंने जब से उसे देखा है, उस दिन से वो मेरे दिल में बस गया है। मैं सिर्फ उसे ही देखना चाहती हूँ। शायद शायद मुझे कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मेरे दिन और रात का तो सुकून छिन गया है। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे बस वही नजर आता है। अब मैं क्या करूँ? मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, उसमें खो जाना चाहती हूँ, उसे अपनी बाहों में लेकर बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ। क्या सर, मेरा फोटो निकाल कर उसका फोटो क्यों लगा दिया? इंटरव्यू के लिए तुम नहीं, ये जा रहा। फोटो बदला ठीक है, लेकिन बायोडाटा से मेरा नाम कैसे बदलोगे? जो आदमी को बदल सकता है वो क्या नाम नहीं बदल सकता? अब से इसका नाम है विजय कुमार उर्फ बीजू। और फिर मेरा नाम क्या होगा? एक्स। सेक्स? अबे सेक्स नहीं, एक्स। क्या सर, ये जब से आया इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरा नाम भी ले लिया। ए, तूने मेरी बाइक भी ले ली, बिस्तर भी ले लिया और मेरा नाम भी ले लिया, अब और क्या चाहिए? टाई चाहिए, टाई, सैक्रिफाइस करो। और बोल क्या चाहिए? शर्ट चाहिए, सैक्रिफाइस। शर्ट ले ले। ओके, पैंट चाहिए, ये भी ले ले, ये भी ले ले, मेरा पैंट दे दे। ये ले, अब बता क्या चाहिए, अब बता, अब क्या अंडरवियर भी निकाल दूं तेरे लिए? निकाल दे। अरे इतने तो मुझे कर दिया नंगा। नाम? नानी। व्हाट? विजू, विजय कुमार। हाँ। उमर? 8 साल। व्हाट? 28 साल। इस डिजाइनर जॉब के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं, सो बचपन में की गई सारी शरारतें याद होनी चाहिए। तुम्हें बचपन की सारी बातें याद है ना? कल की सारी बातें याद है। मैं तुमसे कल की बात नहीं पूछ रहा हूँ, जब तुम 8 साल के थे तब की सारी बातें याद है तुम्हें? सर मैं भी वही बात कर रहा हूँ। व्हाट?
सर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बचपन में जब मैं बिस्तर में पेशाब कर देता था तो मेरी माँ मुझे नींद से उठाकर मुझे बोलती थी पेशाब कर दिया पेशाब कर दिया और टुक टुक करके मेरे सर पे मारती थी। यू वॉन्ट मी टू टेल यू दैट सर? वाह, मेरे भाई के जन्मदिन पर मेरे पापा ने उसे बाइक गिफ्ट की थी और मैंने कहा पापा मुझे भी बाइक चाहिए मुझे भी बाइक चाहिए, तो मेरी माँ ने कहा तुम बिस्तर में पेशाब करते हो और तुम्हें बाइक चाहिए, टुक 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 करके मारने लगी। उस दिन सब खुश थे और मैं दुखी था। यू वॉन्ट मी टू टेल यू दैट? मैं और मेरा दोस्त दीपक स्कूल की दीवार पर पेशाब करते हुए हरदम गाना गाते थे। यू वॉन्ट मी टू टेल यू दैट? नो। अगर इस उम्र में भी तुम अपने फ्रेंड दीपक का नाम ले रहे हो तो तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम बिल्कुल साधारण आदमी नहीं हो। यस, वो क्या है ना कि वो गाना है ना आप वो गाना नहीं सर है? ये वाला गाना। हाँ, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। फैंटास्टिक, यू आर अपॉइंटेड। नो सीमा, मैं फर्स्ट टाइम जहाँ उससे मिली थी ना ठीक उसी वक्त वहाँ जाती हूँ, रोज ट्राई करती हूँ लेकिन वो एक बार भी नहीं मिलता है। वन सेक सीमा। यस डैड। प्रिया, इंटरव्यू खत्म हो गया बेटा। ओके सुनो तो बेटा। क्या है? सिलेक्ट किए कैंडिडेट को आप मेरे पास भेजेंगे, फिर मुझे उससे ऑफिस स्टाफ से मिलवाना पड़ेगा, फिर उसका जॉब क्या है उसे मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस यही ना। लेकिन लड़का कैसा है? वो जैसा भी है मुझे क्या करना है, आप फोन रखिए। यस सीमा, आई थिंक आई विल फाइंड हिम वेरी सून। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। मेरा नाम आंटी नहीं है, आई एम प्रिया। मिस प्रिया। फोन। हाय गाइस, दिस इज विद यू आवर प्रोडक्ट डिजाइनर। हाय। हेलो हेलो। कुट 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 काओ। Sorry. This is Vijay, a product designer. And this is Satyam uncle, my father's friend, general manager. Hi. And he's Mr. Ravi, marketing manager. Nice to meet you, nice to meet you. Now we'll go. Okay. Come. Bye. Nazar rakho. Mujh par nahi, us par. Ho. This is your cabin. Your desk. And your job. बहुत अच्छा है पर एक करेक्शन करनी होगी। अगर इसमें यहाँ बेड लगा दे तो इसे बांध सकते हैं, फिर ये चलने पर नहीं गिरेगा, और अगर हम यहाँ एक रॉड डाल दें तो इसे पकड़कर झुला भी सकते हैं। इसे पकड़ो। अब बताइए मेरा काम क्या है? यही तो तुम्हारा काम है। ये काम नहीं, ये तो खेल है। ये खेल ही तो तुम्हारा काम है। मतलब हर रोज सुबह 9 बजे यहाँ पर आना है, शाम को 6 बजे तक यहाँ पर रहना जरूरी है, गुड़ियों के साथ खेलना है और ये बताना है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, समझ गए ना? और इसकी रिपोर्ट तैयार कर तुम्हें मुझे ऑफिस में ला के देनी पड़ेगी। अब इसके साथ खेलो। डेली मॉर्निंग 9 to 6। हाँ। एवरीवन ऑन। नई गुड़िया। हाँ। आप सच कह रही हो? या। थैंक्स आंटी, थैंक यू वेरी मच। मेरी मम्मी तो रोज किसी गुड़िया से 10 मिनट से ज्यादा नहीं खेलने देती थी, लेकिन आप यहाँ तो रोज 9 बजे से शाम के 6 बजे तक नई नई गुड़िया से खेलने दोगी। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ये काम करने के लिए पैसे कौन देगा? मेरे पापा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आपका दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल वाली हो। तुम्हें एक बात बताऊं? तुम बहुत अच्छी हो। आ, 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 आ,
मेरी बचपन से एक आदत है, मैं हमेशा रोते वक्त किसी चीज को पकड़ कर रोता हूँ। मेरी माँ के अलावा सब मुझे पसंद करते हैं। मुझे और 5 मिनट लगेगा, आप जाइए। जाइए ना जल्दी। मम्मी आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? जेंटलमैन, आप लोग एक कमाल का प्रोडक्ट देखने वाले हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट में तहलका मचा देगा। दिखने में बिल्कुल सिंपल बेड लगेगा। छोटे बच्चों के लिए मैंने इसे स्पेशली डिजाइन किया है। इस स्विच को ऑन करते ही इस अनोखे बेड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा झूलने लगेगा और आराम से सो जाएगा बिल्कुल गहरी नींद में। एनी कमेंट्स? व्हाट? मुझे पसंद नहीं आया पापा। जस्ट वेट यू मैन। पसंद नहीं है कि समझ में नहीं आया? मुझे दोनों नहीं आया, बच्चे पसंद नहीं करेंगे। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ओह स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। ओह टॉक टॉक। बच्चे को सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोने के बाद प्रॉब्लम है। रोज बच्चे सोते वक्त बेड में पेशाब करते हैं और पेशाब करने की वजह से माँ सर पर टुक 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 बजाने लगती है। इसकी वजह से माँ और बच्चे का रिलेशन खराब होता है, क्योंकि बच्चे की तो आदत है रोज बिस्तर पर पेशाब करना और माँ उठा के टुक टुक बजाती रहेगी। ऐसे तो माँ बच्चे का रिलेशन बिगड़ता जाएगा। ओह दैट्स ट्रू। जस्ट वेट। सो तो हमें एक ऐसा बेड बनाना चाहिए जिसमें कितना भी शूशू करो खराब ना हो। अरे ये कैसे हो सकता है? बताता हूँ इधर दे। क्यों दूं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा पापा। स्टॉप। You come and sit here, my boy. Don't worry. You come and sit here. किसने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया? बेबी को अगर इस तरह बेड में सुलाकर एक ट्यूब को यहाँ इस तरह से फिट करें तो बच्चे का सारा शुशु ड्रॉप ड्रॉप करके इस कंटेनर में जमा हो जाएगा। शुशु करने पर भी बेड खराब नहीं होगा और माँ बच्चे का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहेगा। ओह दैट्स ग्रेट। तुम्हारे इस नए आइडिया से इस कंपनी का बिजनेस डबल हो गया और तुम्हारी सैलरी भी डबल। भैया मेरा भाई यहाँ कहाँ से आएगा? तेरा नहीं मेरा भाई, वो देख या ओ, किशोर है। आजा आजा उससे बात करते हैं। ए, ए। राइट। हाँ। हाय किशोर। ओ, हाय दीपक। देखा मैं घर पे नहीं हूँ तो ये कितना खुश दिख रहा है। व्हाट किशोर, मीट माय फ्रेंड नानी। नो विजु। ओ हाय विजु। तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? हाँ ठीक है भैया। भैया विजू किशोर तेरा भाई नहीं है, किशोर तेरा दोस्त है, क्या समझा? फ्रेंड। हाँ। हाय प्रिया। बाय रवि। बाय प्रिया। प्रिया कल 2 बजे तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँ? वो क्यों? तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। कल तुम्हें तो कहा था कि कल फिल्म देखने चलोगी मेरे साथ में। कितलाया हूँ। कैंसिल। कैंसिल क्यों? मेरा मूड नहीं। प्रिया
तुम झूठ बोल रही हो। कल तुम और विजू दोनों बाहर घूमने जा रहे हो ना? मैं जा रही हूँ, बाय। प्रिया, 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 पापा। तुझे अकल है कि नहीं? मैं कोई भी प्लान करता हूँ तो उसका सत्यानाश कर देता है। उस पर हमेशा नजर रख, मुझ पर नहीं बेगद है, उस पर जाकर नजर रख, चल। Thank you.
एक लड़के को लड़की से आई लव यू कहना बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन लड़की को लड़के से आई लव यू कहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो लड़का तुझे पसंद है तो उसे जाकर आई लव यू बोल देना। हाँ। वो बात नहीं है, मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहती हूँ। प्यार अपने आप होना चाहिए। वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है ये जानना जरूरी है, उसके बाद ही मैं उसे आई लव यू कहूँगी। So, वो तुझे प्यार करता है या नहीं ये तो तुझे मालूम होना चाहिए ना? या ओके। हर रोज तुम लोग कहाँ कहाँ घूमते हो? एसल वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड। व्हाट? एसल वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, ये सब क्या है? हाँ, उसे ऐसी जगहें अच्छी लगती है। ये एसल वर्ल्ड और वाटर वर्ल्ड में घूमते हो ये सब तो ठीक है, लेकिन दिन में घूमते हो या रात में? दिन में ही घूमे हैं। So, अब तक तुम अंधेरे में उसके साथ कभी भी नहीं घूमी है ना? तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? बहुत सारी बातें तो अंधेरे में ही पता चलती हैं। जनरली किसी भी बात को दिन में पता किया जा सकता है, लेकिन आदमी के दिल की बात अंधेरे में ही पता चलती है। अंधेरे में आदमी और औरत अगर मिल जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है। तुम एक काम करो, रात को उसके साथ घूमने जाओ, उस वक्त वो क्या करता है ये देखो। अगर उसने अंधेरे में कस के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो इसका मतलब होगा कि वो तुमसे प्यार करता है, ये बात कन्फर्म है। अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें एक अजीब सा एहसास होगा। yes. वहां तुम इमोशनल ना होकर उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करना। इतना अच्छा मौका हाथ से निकलना चाहे, इसलिए वो तुझे और कस के पकड़ेगा, और वो जितना फोर्सफुली तुझे पकड़ेगा तो तू समझ लेना कि वो तुझे लव के लिए फोर्स कर रहा है। लव फोर्स, इज इट? ट्रस्ट मी डार्लिंग, सी माय नोज। इधर से चलते। हम यहाँ से सीधे जाएंगे। यहीं से चलेंगे। हर रोज तो यहीं से जाते हैं ना? हाँ, रोज यहीं से जाते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। नहीं, हम लॉन्ग रूट से जाएंगे। विजू, इसी शॉर्टकट रूट से जाएंगे, ओके? ठीक है, चलो। कुछ होगा तो मुझे बोलना नहीं। विजू, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना छोड़ो। कहा ना नहीं छोड़ूंगा। विजू, तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम? इस तरह कभी नहीं हुआ। Are you sure? या really? या तुम सच कह रहे हो ना? या Yes. मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए भगवान के लिए कुछ मत बोलो। विजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो क्या है ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम है इसलिए इतना पसीना आ रहा है। तुम्हें ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? नो, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। लेकिन तुम्हें तो पसीना नहीं आ रहा। पसीना नहीं आया, बट मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। ओके, बाय। विजू,
स्वेट स्वेट बाय मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लड़का है। ओके, तेरी बात भी सही है और मेरी बात भी सही है, लेकिन हम एक टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट? टेस्ट ये है कि जब घर में कोई ना रहे उस वक्त तुम उसे बुलाना। तुम सेक्सी ड्रेस पहनकर स्टेप बाय स्टेप उसके पास जाकर उसका मूड बनाना। जब वो फुल मूड में आ जाएगा तो प्रिया सिर्फ एक बार कहेगा, एक बार, सिर्फ एक बार घर में। अरे बाप रे, वो बोलेगा लेकिन तुम थोड़े ही मानोगी। जैसे ही वो मांग करेगा तुम स्टेप बाय स्टेप पीछे हट जाना। विजू, ये शादी से पहले ठीक नहीं, शादी के बाद होगा, ऐसे कन्विंस करना। कन्विंस होता है तो अच्छा लड़का, नहीं तो वो बुरा लड़का, क्योंकि इसमें एक छोटी सी साइकोलॉजी है। अगर वो सच में तुमसे शादी करने वाला है तो हमेशा के लिए तुम उसकी हो, ये बात उसकी समझ में आ जाएगी और वो मान जाएगा, तब तुम उससे प्यार कर सकती हो। ऑलरेडी तुम प्यार करती हो, ओके, आई लव यू कह सकती हो। हाँ, सेक्सी लगने के लिए कैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी? साड़ी पहन लेना। उसने अगर कंट्रोल नहीं किया और जबरदस्ती कर दी तो? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब तुम एक काम करो, इस विसर को अपने गले में पहन लो और मैं वहाँ अपनी एथलेटिक टीम के साथ तुम्हारे रूम के आसपास छुप जाऊंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो इस विसल को अपने मुंह में डालकर सीटी बजा देना। एंड आई विल हैंडल द रिस्क बेबी। ओके। एक बार दो ना प्लीज। प्रिया, सिर्फ एक बार दो ना। नो विजू। बस एक बार प्रिया। नो विजू। जस्ट वंस प्लीज। विजू, नो विजू। प्रिया, अगर मैंने देखा नहीं होता तो चलता, पर तुमने तो मुझे साफ दिखा दिया और मैंने देख लिया। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं फुल मूड में आ गया हूँ। प्रिया प्लीज। तुम्हारा हाल मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें मूड में लाने के लिए ये सब कुछ किया था विजू, क्योंकि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती थी विजू। इसमें क्या टेस्ट है? एक बार दो तो कितनी आवाज निकालूंगा तुम्हें पता है? धमाल हो जाएगा, एकदम जबरदस्त मजा आ जाएगा। प्लीज 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 विजू, विजू जरा समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार क्या, मैं तो हजार बार देने के लिए तैयार हूँ। मुझे हजार बार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार चाहिए, एक बार। विजू, मैं समझ सकती हूँ, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते विजू? ये सब करने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। विसल बजाने के लिए मुहूर्त कैसा? व्हाट? विसल बजाने के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है, ये बोल रहा हूँ। मतलब तुम एक बार विसल बजाना चाहते थे? ओ नो 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 विजू नो। बस एक बार बजाने दो ना। नो विजू प्लीज, तुम समझो। नहीं, इसे सीटी बजेगी। अगर तुमने ये सीटी बजा दी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं प्रिया प्लीज, एक बार प्रिया प्रिया नो, प्रिया प्रिया प्लीज प्रिया नो। प्रिया प्रिया रुको प्रिया, बस एक बार प्रिया।
अरे रुको, उसे मत मारो प्लीज, रुक जाओ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्या रोक रही हो? विसल बजाई ना तुमने? विसल बजी, ये बात सच है, लेकिन मैंने नहीं बजाई थी, विजू ने बजाई थी। कुछ नहीं हुआ सीमा, टेस्ट फेल। सीमा प्लीज उन्हें रोक दो, सीमा जल्दी प्लीज। स्टॉप, इनफ। प्रिया, आई थिंक ही इज अ नाइस गाय, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू। विजय, आई एम सॉरी। बाप रे, मारने के बाद सॉरी? मैं भी तुम्हारी जम के पिटाई करूं और फिर सॉरी बोलूं? चुड़ैल है ये सारी, चट्टी बना दी मेरी, तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका? आखिर मेरी गलती क्या थी? हमारा पीटी मास्टर बहुत बार सीटी बजाता है, आज मैंने सिर्फ एक बार सीटी बजाई तो मुझसे गलती हो गई, तुम ही बताओ। इतनी देर तक कुटाई की, मुझे कहां कहां नहीं मारा, सारा बदन दर्द कर रहा है। प्रिया, माँ के बाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी पिटाई करवाई। बिच्छू, बिच्छू, I'm sorry. हाय किशोर। क्या हुआ, उदास क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं यार, नानी नाम का मेरा भाई है, तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं है। वो एक दिन गुस्से में घर से भाग गया और अभी तक वापस नहीं आया। मैं और पापा उसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे कहाँ जाकर ढूंढे। हम तो खाना खा लेते हैं लेकिन माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है। मेरे घर से भागने की वजह से मम्मी खाना नहीं खा रही है? मतलब नानी के जाने के बाद माँ खाना नहीं खा रही है? जब से नानी घर छोड़कर गया है, खाना तो छोड़ो, माँ ने पानी तक नहीं पिया, किसी की बात नहीं सुन रही है। नानी के रूम में बैठी रहती है और रो रो कर उसके बेड पर सो जाती है, बाहर भी नहीं आती। हम उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना चाहते हैं तब भी नहीं खाती है, बस जोर जोर से रोने लगती है। आज सुबह से उनका बीपी भी डाउन हो गया है, बेहोश होकर गिर गई थी। अरे, हम भाग कर डॉक्टर को लेकर आए और डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में क्या लिखा? नानी। मैं एक बार तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, का बेटा किशोर का फ्रेंड हूँ, नानी हूँ मां। ये आपने क्या हाल कर लिया है? खाना क्यों नहीं खा रही है? कैसे खाऊंगी बेटा, मेरी नानी के बगैर कैसे खाना खाऊं? मेरे नानी ने बिस्तर पे सुसु नहीं किया तो मैं कैसे खाना खाऊं? मेरी चुड़िया भी नहीं टूट रही है और उसके क्रिकेट के बॉल से खिड़की की कांच भी नहीं टूट रही है। जब मैं उसे खाना खिलाती थी तो मेरी उंगलियां भी चूस लेता था, अब इन उंगलियों को कौन? तुम्हें पता है क्या, वो बराबर खाना नहीं खाता है। हर रोज मैं उसके सिर पर ठोक ठोक कर खाना खिलाती थी, ये गलत है क्या बोलो?
मैंने उसको क्यों मारा? वो मेरी टूटी हुई चूड़ियों से खेलता था, अगर उसे चुप जाता तो दर्द होता ना। मैंने उसे क्यों मारा था पता है? स्विच बोर्ड में हाथ लगाएगा तो उसे शॉक लगेगा ना, इसलिए। इतनी सी बात के लिए वो माँ को छोड़ के चला जाएगा? हाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने ज्यादा डांट दिया। उस दिन गुस्से में मैंने पापा को बोला कि एक ही लड़का काफी है, तो आपने मेरी बात नहीं मानी। ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मेरा नानी कहाँ होगा अभी, कैसा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे देखो, अगर ये गुम हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, मगर मेरा नानी तो छोटा सा है ना, कहाँ पर होगा, कितनी तकलीफ झेल रहा होगा पता नहीं। माँ, 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 मेरी बात सुनिए, कल आपका नानी आपके पास जरूर आ जाएगा, अब तो खुश हो ना, चलो खाना खाओ। तुम बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरा नानी मुझसे बात कर रहा है। ऐसा है तो चलो खाना खाओ। कल आपको नानी को गोद में बिठा के खाना खिलाना है, उसके लिए तो ताकत चाहिए ना, ठीक है ना? अरे ये कैसे हो गया? जो काम मैं और मेरे पापा नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिया? सीमा, कल मैं उसे जरूर आई लव यू कह दूंगी। डू इट। अंकल, 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 क्या है बेटा? मुझे फिर से 8 साल का लड़का बनना है, 8 साल का। क्या हुआ नानी, बता तो सही। क्या बताऊँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल, बहुत बड़ी। मैं अपनी माँ को समझ ही नहीं पाया, अब मैं समझ गया। अगर आपका 8 साल का बेटा कोई गलती करता तो आपको गुस्सा आता या नहीं आता? आता है। तभी तो माँ को भी गुस्सा आया, इसमें गलती क्या है? हाँ तो मैंने क्या कहा? अंकल, मेरी माँ ना मुझे बहुत प्यार करती है। जब से मैं घर से भागा हूँ उसने खाना नहीं खाया और एक बूंद पानी भी नहीं पिया। कहती है जब तक मेरा बेटा नानी नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं खाएगी। अंकल जानते हो मम्मी ने बड़े भाई को क्या कहा? ये देखो, ये गुम हो जाता तो कोई बात नहीं, पर मेरा नानी वो तो छोटा है, सिर्फ 8 साल का। अभी वो कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा, ये कहकर रोने लगी। अंकल अब तो मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। हाँ तो मैं क्या करूँ? जानते हैं माँ अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार कब करती है? जब वो छोटा होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो प्यार भी कम हो जाता है। अभी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ 20 साल के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ का प्यार 20 साल बाद मिलेगा क्या? मुझे मेरी माँ चाहिए अंकल, माँ का प्यार चाहिए, इसलिए मुझे फिर से 8 साल का बना दो। Nani! 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 Nani
चला गया था मुझे छोड़ के। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बता तो क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जैसे ही सोने गया मैं बड़ा कैसे हो गया? Oh my God! One minute. Can I say? Hey भगवान! क्या हुआ अंकल? God no! इस रिपोर्ट के हिसाब से जो दवा तुझे दी है वो जानवर पे काम करेगी पर आदमी पे बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए और ये प्रॉब्लम हुई। कौन सी प्रॉब्लम? तुम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक छोटे बच्चे बने रहोगे और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐसे रहोगे। नहीं अंकल, नहीं अंकल, नानी नानी, नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, नहीं अंकल। यू नो विजू, मेरे दादाजी ने मेरी दादी को यहीं पर कहा था, मेरे पापा ने भी मम्मी को यहीं पर कहा था, यहीं पे, और आज मैं भी तुमसे वही बात यहीं पर कहने वाली हूँ। तुम्हारे दादा ने दादी को कहा, पापा ने मम्मी को कहा, कब से कहा 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 बोल रही हो? आखिर कहा क्या था, जरा बताओगी? बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम दिन में कहाँ गायब हो गए थे? हाँ अब क्या बताऊँ प्रिया, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं। और जो होने वाला है वो मैं तुम्हें बताऊं? बताऊं? हाँ प्रिया। ये दिन कैसे कटेगा, ये रात कैसे कटेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ प्रिया। तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है ना? हाँ प्रिया, ये सब तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ भी ये सब हो रहा है। मतलब तुम भी वैसी हो? सबको ऐसा होता है। सब वैसे ही है? हाँ। अरे बाप रे, ये तो रॉन्ग रूट पकड़ लिया मैंने। विजू, ये मत सोचो क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इन सब में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? प्यार है ये। प्यार है? किसको? मुझे? अच्छा तुमको? अच्छा तुम और मैं? अरे यार, एक तो मैं पहले से ही दिन रात के लफड़े में फंसा हुआ हूँ, अब ये नया लफड़ा नहीं चाहिए। देखो तुम बहुत सुंदर हो प्रिया, कोई अपनी उम्र का लड़का देखकर उससे प्यार करो ना, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी उम्र क्या है? 8 साल। हाँ 28 मेरी भी है। 28 नहीं 8 साल। हाँ पर 8 तो है ना। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, लड़का और लड़की के बीच में 8 साल का फर्क हो ये तो चलता है ना। अरे यार, मेरा 8 कहना अलग है और उसका 8 कहना अलग है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? विजू मैं क्या चाहती हूँ पता है ना? मैं 24 घंटे तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। 24 घंटे मेरे साथ रहोगी ना तो पागल हो जाओगी। मैं खुद अपने आप को 12 घंटे नहीं देख पा रहा हूँ और ये मेरे साथ 24 घंटे रहकर मुझे देखना चाहती है। विजू, आई लव यू विजू। प्रिया, आई लव यू विजू। प्रिया, हाय दया, अब मैं क्या करूं? प्रिया, अंकल, इसमें गलत क्या है भाई? 8 साल का लड़का 20 साल की लड़की से कैसे प्यार कर सकता है? कर सकता है। विजू, कोई भी लड़की किस तरह का पति चाहती है जानते हो? रात में मर्द की तरह ताकतवर, दिन में बच्चे की तरह बिल्कुल मासूम। अब दिन में बच्चे की तरह रहने वाला रात में ताकतवर नहीं बन सकता, वैसे ही रात में ताकतवर रहने वाला दिन में बच्चा नहीं बन सकता। और मेरी नजर में ऐसे 2 गुणों वाला अद्भुत आदमी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम अकेले हो नानी। विजू, ये क्या है विजू? तुम कुछ नहीं करोगे क्या? क्या करूं प्रिया, तुमने कहा प्यार करो, कर दिया, अब क्या करूं? रोज आई लव यू कहना चाहिए, रोज मिलना भी चाहिए, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो।
बस यही ना, तो अभी कह देता हूँ। प्रिया आई लव यू। अब क्या हुआ, आई लव यू बोला ना। अच्छा किस चाहिए? ओके अब क्या हुआ? ओह नो विजू, वही सेम आई लव यू, वही सेम किस, पर अलग तरीके से। ये क्या है, ऐसे कहो तो वैसे कहो, वैसे कहो तो ऐसे कहो। तंग आ गया हूँ, ये भी कोई प्यार होता है? विजू मेरी आंखों में देखो। मजा आया ना? क्या तुम्हें यही चीज और एक बार चाहिए? लेकिन आज नहीं, कल दूंगी। नो व्हाट? नो ए ए ओके, कल हम फिल्म देखने जाएंगे। कौन सी फिल्म? कौन सी फिल्म देखेंगे? मस्ती मस्ती, ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स? एजेंट ट्रिपल एक्स। एजेंट ट्रिपल एक्स। तो फिर कल 3 बजे का शो। ओके ओके। नो व्हाट? नो कल 3 बजे मैं नहीं आ सकता। गर्लफ्रेंड ने कहा तो मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड 6 बजे के बाद हूँ। तो बॉयफ्रेंड कल 3 बजे कहाँ रहेगा? बॉयफ्रेंड कल 3 बजे स्कूल में रहेगा। स्कूल? स्कूल, स्कूल के पास ऑफिस है ना, उसमें रहेगा। बॉयफ्रेंड मेरे लिए छुट्टी नहीं ले सकता? बॉस ने छुट्टी की परमिशन नहीं दी है। अपने ऑफिस के बॉस तो तुम ही हो ना। मैं बॉस हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। कुछ भी हो, कोई भी बॉस हो, मुझे सिर्फ काम प्यारा है। 6 बजे से पहले मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। आई डोंट केयर, कल सुबह 3 बजे ट्रिपल एक्स मस्ती मस्ती देखेंगे, आगे की तुम जानो, ठीक है? प्रिया मस्ती मस्ती देखना है। प्रिया ट्रिपल एक्स। प्रिया 3 o'clock। अरे यार चल बैठ, आ जा। क्या हुआ बेटा? चोट लग गई माँ। संभाल के बेटा। हेलो, आपको कहाँ पर जाना है? श्रीनगर कॉलोनी में ही रहती है ना? मैंने आपको बहुत बार देखा है वहाँ। मैं भी वही रहती हूँ। आइए साथ में चलते हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए ना। बेटा इधर आ, आंटी को बैठने दो। इट्स ओके, मैं इसे गोद में बिठा लूंगी। तुम कितने क्यूट हो ना। व्हाट्स योर नेम? चलिए नानी। वाओ नाइस नेम। कौन सी फिल्म देखी आपने? फिल्म नहीं देखी मैंने। नहीं देखी? क्यों? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को 3 बजे का टाइम दिया था, टिकट भी बुक कर लिया था मैंने, लेकिन वो आया ही नहीं। ये कोई बिहेव करने का तरीका होता है क्या? अब आप ही बताइए, रास्ते में आधे घंटे से लड़की खड़ी है, हाँ ये ठीक लगता है क्या? हाँ हाँ सही कह रही हो, इन मर्दों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आ जाएंगे ऐसा सोचकर हम थिएटर के बाहर इनका इंतजार करते हैं, और पता नहीं ये किसकी गोद में बैठकर मजे कर रहे होते हैं। गोद में बैठा होगा करेक्ट है, लेकिन मस्ती से मजा कर रहा होगा ये आप कैसे कह सकती हैं? What? उसे कोई इम्पोर्टेंट काम भी तो हो सकता है। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? हाँ? It's okay, बेटा। मैंने जब तुम्हें किस किया तो बहुत मजा आ रहा था ना? अब ये लो, ये लो। झूठ बोलते हो, मुझसे झूठ बोलते हो? फिल्म देखने क्यों नहीं आए बताओ? छोड़ दो वरना हड्डी टूट जाएगी। छोड़ दो मुझे, हड्डी टूट जाएगी। बताओ
बताओ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? हाँ बैठ के पागल थी वहाँ पे खड़े रहने के लिए? हाँ 3 बजे तुम क्यों नहीं आए? हाँ बताओ। मैं कल दोपहर को 3 बजे हाँ हाँ दोपहर को 3 बजे तुम्हारे साथ था। मेरे साथ थे? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, ये लो ये लो। सच प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम मैं यहीं पर था। अच्छा इतना साफ झूठ बोल लेते हो तुम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी। मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। इतनी चीप बातें करने लगे हो ना तुम, ये लो। हाँ। तुम गलती करोगे मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें अपने प्यार को फुल स्टॉप दे देना चाहिए। आई डिसाइडेड तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। नो वॉट नो नो यू हैव टू मैरी मी। नो ध्यान से सुनो, कल मेरे पापा तुमसे मिलने आएंगे और पूछेंगे कि मेरी बेटी से तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं, और अगर तुमने गलती से ना बोल दिया तो जानते हो ना। हाँ करूँगा कहना है। हाँ वरना मैं तुम्हारी तो प्रिया आंखें निकालूंगी, आंखें प्रिया आंखों की पानी पूरी बना दूंगी। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ओह कम ऑन सत्यम, ये कोई खिलौने की दुकान है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी बेटी कोई गुड़िया नहीं है जो उसको बॉक्स में पैक करके तेरे बेटे के हाथ में दे दूं। एक बात सुन, तू मेरी कंपनी का मैनेजर है और मेरा दोस्त भी। हाँ कहा था मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी तेरे बेटे से प्यार ही नहीं करती तो कैसे शादी करवा दूं मैं? बेवकूफ कहीं का। मेरी बेटी किसी लफंगे से प्यार करती तो मैं समझा सकता था, बट ही सच ए ब्रिलियंट यंग गुड मैन। हेलो विजू, बॉस ने तुम्हें अर्जेंटली रंजीत होटल में बुलाया है, रूम नंबर 405। ओके शेखर अंकल। तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतारो और इसके भी कपड़े उतारो, तुम नीचे सो जाना, इसको ऊपर ले लेना। हेलो। हाँ मैं सत्यम बात कर रहा हूँ। ओह सत्यम, आई एम इन वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तुम बाद में फोन। तेरे लिए मीटिंग जरूरी है या बेटी का भविष्य बता? व्हाई नॉट, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही तो, अर्जेंटली तुम वहाँ से निकलो और रंजीत होटल में पहुँचो। मैं अर्जेंटली भी निकला तो आधे घंटे में रंजीत होटल नहीं पहुँच सकता। अरे बापरे, जुबली हिल से निकल कर रंजीत होटल पहुँचने में आधे घंटे लगते हैं। जुबली हिल से रंजीत होटल आधे घंटे में पहुँच सकते, लेकिन दिल्ली से रंजीत होटल आधे घंटे में नहीं पहुँच सकते। दिल्ली से आने के लिए कौन बोल रहा है तुझे? ओह कम ऑन सत्यम, ट्राई टू यूज योर ब्रेन, आई एम इन दिल्ली, मतलब दिल्ली। ओह माय गॉड सत्यम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिगेस्ट प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? फोन पर नहीं बता सकता, आंखों से दिखाना चाहता हूँ। एक काम करो, अर्ली मॉर्निंग की फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पहुँच जाओ, तब तक मैं मैनेज करता हूँ। ओके ओके ओके। I really don't understand what's happening. और तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? ये देखो, मैं मुंह से कहूंगा तो नहीं मानोगे, चल कर अपनी आंखों से देख लो, चलो। रुको। ओ सत्यम, बात क्या है? बता तो सही। अरे आ तो सही, चल चल। क्या दिखाना चाहता मुझे? अरे मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे चल ना। चल तुझे देख कर पता चल जाएगा। जा जा, जा अपनी आंखों से देख ले, जा। क्या देख लूं मैं? देखना। अच्छे से देख ले। यू तुमने इतनी सी बात के लिए बुलाया? शेखर ये गलत बात नहीं है क्या? इसमें गलत क्या है? अरे औरत नीचे सोई है ना? यस। और वो उसके ऊपर सोया है ना? यस। अभी भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है? सत्या बच्चा माँ की छाती से लग के सोया है। कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सो जाए तो मैं उसे गलत कहूंगा? मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? वो औरत नीचे सोई है, उसके ऊपर वो सोया है।
तो इसमें गलत क्या है? अरे शेखर, वो औरत नीचे सोई है ना? Yes. उसके ऊपर वो सोया है ना? Yes. तो भी तुझे गलत नहीं लग रहा है? ओ सत्यम, बच्चा माँ की छाती से लग के सोया तो गलत? कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सोएगा, मैं गलत कहूंगा क्या? मैं क्या तुझे पागल दिखता हूँ? वो औरत नीचे सोई है ना? Yes. उसके ऊपर वो सोया है ना? Yes. तो क्या ये गलत नहीं है? तू बिल्कुल पागल हो गया। वो औरत नीचे सोई है ना? Yes. उसके ऊपर वो लेटा है ना? Yes. तो इसमें तुझे कुछ गलत नहीं लगता क्या? ओ सच्चा, तुझे पागलपन का दौरा कब से पड़ने लगा? शेखर, मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे बाप? तू इधर देख। तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? ये क्या है? ये किसको लेकर सोई है? कौन है ये? क्या पता? वो कहाँ गया? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तू ये भी नहीं जानती? नहीं जानती। क्यों रही है? ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे प्लान का अरे रे 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 सत्यानाश कर दिया। मालिक, बुधवार का दिन मिथुन लग्न अति उत्तम है। ओके फॉर मी, और आप लोगों को? ओके 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 ओके। सुबह 9 से 10 के बीच का मुहूर्त अति उत्तम है। ओके 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 ओके। नो, 9 बजे से 10 बजे तक तो मैं एक छोटा बच्चा रहूंगा। नो, नहीं 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 करना। तू इसको यहाँ से भगा भगा, जल्दी कर। No, why? मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ रात का मुहूर्त, रात का मुहूर्त, शाम को 5:30 बजे का मुहूर्त अति उत्तम है। 5:30 से 6:30 बजे का मुहूर्त है। ओके है ना? ओके। 5:30 से 6:30 बजे तक आधा घंटा नहीं बेटा, घंटा होता है। मेरे लिए आधा घंटा है, मेरे लिए आधा घंटा है, इसके लिए घंटा, उसके लिए घंटा, थैंक यू, इसके लिए घंटा, मुझे पागल समझाया क्या? मैं पागल नहीं हूँ, समझा? बुधवार शाम का 5:30 ठीक है। अरे तू चुप ना। बुधवार शाम को 5:30 से 6:30 का मुहूर्त फिक्स करो। Yes. फिर मैं थोड़ा लड्डू खा सकता हूँ क्या? बेटा पूरा लड्डू खा ले। मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो क्या? कितने रुपए देने होंगे सिंघम जी? मुझे ये भाषा समझ में नहीं आती। 20 रुपए देने होंगे? तो क्या 20 लाख देने होंगे? ये इसका बिस्तर है क्या? छू कर देखता हूँ। इसको उठा के बोरी में बांध दो। छोड़ा, देखो संभालना। वेरी गुड, छोड़ 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 ले जा ले जा। वेरी गुड बॉयज। Open!
तू यहाँ कैसे आया? आप सब लोग ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे ना? तब मैं आपके कार के पास से जा रहा था तो कार के डिक्की में से एक आदमी निकला, उसने बोरे में बांधकर मुझे डिक्की में बंद कर दिया। ओ, पापा, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसकी शादी हो रही है और आप चुपचाप हंस रहे हैं पापा। मंगलसूत्र तो तैयार है लेकिन दूल्हा नहीं आने वाला क्योंकि वो हो गया चू। ए, वो किसी भी रूप में है लेकिन उसे जिंदा मत छोड़ना, समझ गए ना? ओके सर। गुड बॉयज। तुमको कहीं दिखा था क्या? नानी, ये शादी हो रही है, देखना एक दिन तुम्हारी शादी इससे भी धूमधाम से करूंगा। आइए चलते हैं। हाय प्रिया। हाय। ए, दुल्हन के कमरे में तेरा क्या काम है? मेरा क्या काम? अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये शादी कैसे होगी? तू क्या दूल्हा है जो तेरे मगर शादी नहीं होगी? चुप रहो ना सीमा। अच्छा तुम आइसक्रीम खाओगे? इस बच्चे को खा देता है मैंने। ये क्या हो रहा है? पापा इस औरत को लाइन मार रहे हैं। पापा, आप मेरे लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं या मम्मी ढूंढ रहे हैं? तेरे लिए ये सब सेटिंग कर रहा हूँ बेटा, पागल कहीं सत्यम। मुहूर्त निकला जा रहा, विजय कहाँ है? विजू नहीं आने वाला है, टेंशन मत लो, मुहूर्त का टाइम नहीं निकलने दूंगा। मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करा दो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। ससुर जी। चुप। गेट लॉस्ट। हे विजू कहाँ है? टाइम हो रहा है, मैं रुकता हूँ, तू जाके लेके आ उसको। कम ऑन। भाई आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी चल, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मैं यही रहूंगा। अबे जल्दी चल, तू यहाँ क्या करेगा? चल यहाँ से। मैं यही रहूंगा। बिच्छू कहाँ है? ये तो बिच्छू नहीं है ना, इसे मैं ले जाता हूँ। तेरी तो ले जा रहा है। प्रिया, प्रिया मैं आ गया। ओह माय गॉड। यू कम फास्ट। अरे बेटा संभाल के। अरे अरे संभाल के। बैठो। अब तो तुम कहाँ थे? मेरी माँ कम थी जो दूसरी आ गई। अब क्या करना है बोलो? जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ पंडित, जल्दी मंगलसूत्र दो। पहनाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या करें? सो जाएंगे। What? रात में लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं। वैसे हम भी सो जाएंगे। जनरली लोग सो जाते हैं लेकिन सुहागरात में नहीं सोते। अच्छा
सुहागरात में सोते नहीं तो क्या करते? हाँ बिच्छू, तुम कुछ नहीं जानते क्या? एक बात सुनो, मेरी माँ ने ये सब कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अगर तुम बताओगी तो मैं अच्छे से करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। अब मैं इसे कैसे सिखाऊँ? इसीलिए अच्छे लड़कों से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? सुहागरात में तुम सोने नहीं दे रहे हो, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करे क्या? क्या? एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? छुपा छुपी, कैरम, चेस खेले। बिच्छू! मम्मी पापा खेले। व्हाट? मम्मी पापा, तुम जानते हो? हाँ। मम्मी पापा का खेल ही तो सुहागरात होता है। अच्छा, यही खेल सुहागरात है? हाँ। ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अब तुम देखो मैं कितनी अच्छी तरह से ये खेल खेलूंगा। चलो मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे सो जाओ, सो जाओ, पैर बीच में डालो, पैर बीच में डालो, क्या सोच रहे हो, खेलो ना। यही खेल है। व्हाट बिच्छू? बिच्छू, 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 अरे यार, बिच्छू, क्या हुआ बिच्छू? कुछ कुछ हो रहा है, धक धक हो रहा है। इस धक धक का मतलब ही सुहागरात होता है, समझे? जैसे कि एक फूल, पता है कहाँ? यहाँ है। फूल है ना, बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई फूल के पास क्यों आता है? क्यों आता है? नहीं पता। गुड़ होता है ना? हाँ होता है। चींटी होती है? हाँ होती है। चींटी गुड़ के पास क्यों आती है? जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो तो हाँ में हिलाओ, नहीं जानते हो तो ना में हिलाओ। मतलब नहीं जानते। बैल पता है ना? पता है। गाय पता है? पता है। तो फिर बछड़ा कैसे आया बिच्छू? हाँ बताओ, बछड़ा कैसे आया? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। तुम कुछ भी नहीं जानते हो बुद्धू। ये क्या है? अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, कोई फायदा नहीं। घोड़े की सवारी होगी। घोड़े? घोड़े की सवारी मैंने कभी नहीं की। ले जाओ। रुको। ले लो, अभी ले लो। चुपचाप लेटे रहो, कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं करूँगी। तुम्हें सुहागरात के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो भी हम सुहागरात मनाएंगे। मुझे भी कुछ नहीं पता, सुनने से पढ़ने से क्या होता है। अब जो भी होगा भगवान का नाम लेके शुरू कर देते हैं। क्यों रे, तेरा नाम सिंघम है ना? 20 लाख रुपए मुझसे ले लिया और यहाँ आकर अंधेरे में बैठा है। तुझे स्पॉटलाइट चाहिए, लाइट ऑन। 4 बांबू लगाकर तंबू तान के यहाँ अड्डा लगाकर बैठा है तू। तू क्या है, भालू की औलाद? अब क्या करना है बता। हाँ क्या करता रे, सिंहासन पर बैठा है, चल नीचे उतर। चल बे, तेरी औकात नहीं यहाँ बैठने की। अब मैं बताता हूँ तुझे। गलती कैसे हो गई ये बता। सर, आपने जिस आदमी को फोटो में दिखाया था उसे बेहोश करके बोट में डालकर उसे नदी में हमने फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन सर जब हमने बोरी खोली तो उसमें से छोटा सा बच्चा निकला सर। हाँ, वो लड़का कहाँ गया सर? Enough। उस दिन होटल में वही लड़का था और तेरे पास भी वही लड़का पहुँचा। सही बच्चा। कौन सा बच्चा?
डोर बंद कर। अब हमारे साथ स्टेशन चलो। क्यों सर, स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारी ये शर्ट क्लीन करके ड्राई क्लीन करके तुम्हें छोड़ देंगे बस। ड्राई क्लीन क्यों करेंगे सर? चलो भाई बताते हैं, चलो। अरे सर उठाइए मत सर। अरे ड्राई क्लीन क्यों करेंगे? मैं कोई कपड़ा हूँ क्या सर? देखिए वो हंस रहा है सर, चिल्ला रहा है। अरे हंस करी तो छोड़ दो। ओह माय गॉड सत्यम, ये क्या हो गया? क्या हुआ मैं क्या बताऊँ? जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वही होता जा रहा है। मैं तुम बन सकता हूँ, तुम मैं बन सकते हो। मैं उसके जैसा हो सकता हूँ, वो मेरे जैसा हो सकता है। मैं इस बल्ब की तरह बन सकता हूँ, बल्ब मेरी तरह बन सकता है। सत्यम तुम अच्छी तरह समझाओ ना। अच्छी तरह? भगवान, अगर मैं अच्छी तरह समझाऊँ तो तुम भी मेरी तरह पागल बन जाओगे। अब बताइए तो पापा। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना पापा, प्लीज पापा। नहीं बताऊंगा, जा पढ़ाया पूछने वाला बाबू। ए नानी, खाना खाने के लिए आ जाओ। माँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, डाइनिंग टेबल पे खाना रख देती हूँ, खाकर सो जाना। ओके। कल जो भी होमवर्क करके नहीं आएगा उसकी हड्डी मैं तोड़ डालूंगा। Come on.
1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8, 6 into 6, 36, 1 into 1, 1, 4 into 4, 16, 6 into 6, 36, 9 into 4, 36, 1 into 1, 1, 2 to the 4, 3 to the 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 is 36, 7 7 is 49. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं. दिखाओ. कह तो रहा हूँ कुछ दिखाओ, नहीं. दिखाओ. तुम फोर्थ स्टैंडर्ड की किताब पढ़ रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए ऐसे टाइम पास कर रहा था. तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो मुझे उठाना चाहिए था ना. नहीं प्रिया. विजू. नहीं. घुड़सवारी. बोलो ना. नहीं नहीं प्रिया. विजू. नो प्रिया. यस विजू. नो प्रिया. नो नो. यस विजू. प्रिया कितनी बार घुड़सवारी करोगी? तुमने कहा ना नींद नहीं आ रही है. मुझे नींद आ रही है. पर अब मुझे नहीं आ रही है. अरे यार. नहीं प्रिया. नहीं 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 प्रिया छोड़ दो. प्रिया विजू. प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे बस की बात नहीं है अंकल. आपको क्या बताऊँ क्या प्रॉब्लम है? कल क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? कल शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुँचा तो प्रिया मेरे साथ घुड़सवारी की जिद करने लगी. मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो उसने भी कहा मुझे भूख लगी और मुझे कसके पकड़ लिया. तो उसके बाद क्या हुआ? तू चुप कर, इसे बोलने दे. अरे वो बताना चाहता तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? बताओ बताओ. फिर वो मुझे बेड पे ले गई और वो ओके 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 सब समझ गए ना. समझ गए ना तुम? सोते सोते 12 बज गए थे. पर उसके बाद तो सोना चाहिए था. सो अंकल, मेरी आंखों में सिर्फ मैथ्स ही दिख रहा था. कल मैथ्स का होमवर्क नहीं किया तो टीचर मेरा कीमा बना देगा, तो नींद ही नहीं आई. और मेरे बगल में प्रिया आराम से घोड़े बेच के सो रही थी. प्रिया को सोते हुए देखकर मैंने कोने में जाकर मैथ्स की किताब उठाई और 1 1 1 2 2 4 3 3 9 करके याद करने लगा. बेचारा, इसको दो दो होमवर्क करने पड़ते. मेरी तो आदत है ना जोर जोर से याद करने की. तो प्रिया जग गई और कहने लगी तुम यहाँ बैठकर बच्चों की तरह क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही प्रिया. कहने लगी मुझे भी नींद नहीं आ रही और घुड़सवारी करने लग गई. ये सब होते होते 3 बज गए. 3. सारा बदन दर्द कर रहा है, इसलिए मुझसे नहीं होगा अंकल, मैं ये सब नहीं कर सकता. प्रॉब्लम मुझे, तुम क्यों रो रहे हो भाई? तेरे लिए नहीं भाई, मैं अपने लिए रो रहा हूँ. 30 साल का हो गया मैं, लेकिन अभी तक मैंने घुड़सवारी नहीं की और तू 8 साल का होकर भी रोज घुड़सवारी कर रहा है. ये भी नस. तुम तो रात को मस्त होकर सोए ना. अरे मैं कहा, तू मस्ती में सो रहा था. चुप हो जाओ अंकल. मुझे बचाओ, मुझे बचाओ अंकल. रहने देना. बचाओ मुझे. क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये उल्टी क्यों कर रही है? ये क्या कर रही हो? प्रिया! वही है डॉक्टर. ओके ओके कंफर्म. क्या कंफर्म? तुम बाप बनने वाले हो बेटा. थैंक यू डॉक्टर. लेकिन मैं तो मैं मजाक कर रहा हूँ. अरे ये माँ बनने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन. बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना. पहले 4 महीने में कुछ भी अगर खाना खाती है तो उल्टियाँ शुरू हो जाती है. और एक बात, उल्टियों के साथ दर्द भी बहुत होता है. तब क्या करना होगा? दोनों हाथ से दोनों कान कस के बंद कर लेना. अरे अपने नहीं, तुम्हारे बीवी के. अंडरस्टैंड? आगे 4 से 6 महीने तक उल्टियों के साथ साथ सर भी गोल गोल घूमना शुरू कर देता है. अगर वो कहने लगे कि उसका सर घूम रहा है तो तुम भी उसके साथ घूमने लग जाना. ये क्या है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज. ये करवा लेना, ये इसका रामबाण इलाज है. 6 से 8 महीने तक पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं, इसीलिए उसके खाने पीने पर बहुत ध्यान देना होगा. उसे बोझ मत उठाने देना. तुम्हें ही उसे अपने हाथों से नहलाना पड़ेगा, अपने हाथों से उसे तैयार करना पड़ेगा और अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाना भी पड़ेगा. सुनो बाबू, बच्चे का बोझ तो वो लड़की उठा रही है, लेकिन तुम समझना कि उस बच्चे का बोझ तुम उठा रहे हो. वो जो कहे उसे खिलाना. टोटल मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. और अब 8 से लेकर 9 महीने तक यही क्रूशियल पीरियड होता है.
तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि डिलीवरी आज ही होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना। नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? सिजेरियन। सिजेरियन मतलब क्या भाई? अगर तू मुंह में उंगली डालेगा तो उंगली कटेगी नहीं, तेरी उंगली है करके छोड़ देगा क्या? सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालते हैं। ऑपरेशन? बापरे, बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है क्या? और क्या, ये सब भगवान की लीला है बेटा, इसीलिए पैदा करने वाली माँ को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता है बेटा। बेटा, इस दुनिया में हमारी माँ के बराबर कोई महान नहीं है, कितने दुख उठाकर वो हमें पैदा करती है। मेरी नजर में इस सृष्टि की रचना करने वाले भगवान और जन्म देने वाली माँ एक समान है। छोड़ो ना बेटा, हमारी माँ अगर देखा जाए तो भगवान से भी बहुत महान है। ऐसा क्यों है जानते हो? इस दुनिया को चलाने वाला भगवान तो कई रूपों में है बेटा, लेकिन इस संसार की सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उनका एक ही रूप है, वो है हमारी माँ। और अब तुम्हारी पत्नी वही माँ बनने वाली है, उसका ध्यान रखना बेटा। गॉड ब्लेस यू। माँ, माँ। किशोर बेडरूम में है। मैं किशोर से नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। हाँ? बैठो 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 बैठो। ये सब मैं संभाल लूंगा। विजय, वो मिक्सी? मैं सब संभाल लूंगा। वो ग्राइंडर? मैं सब संभाल लूंगा। मेरा अचार? कहाँ ना, सब संभाल लूंगा। आपको कोई भी काम नहीं करना है, सारे काम मैं करूंगा। आप कुछ मत करना, बस चुपचाप बैठे रहो, ओके? ओके। ओके। माँ, आपसे एक बात पूछूं? बोलो। नानी जब आपके पेट में था तो तब आपको उल्टी हुई थी? अगर बच्चा पेट में हो तो उल्टी होती है, जब नानी मेरे पेट में था तो मुझे भी हुई थी। फिर किशोर जब पेट में था उस वक्त? उस समय भी हुई थी। ओह। लेकिन किशोर ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, 2 महीने में सब ठीक हो गया, पर नानी के समय तो उसने बहुत परेशान किया। पहले 4 महीने तो पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा था और बदन भी बहुत दर्द करता था। उस वक्त मैंने बहुत दर्द सहा है, उल्टी के साथ साथ सर भी घूमने लगता था। उसके बाद 6 महीने से 8 महीने तक पागलपन शुरू कर दिया था, बहुत सताया है मुझे। 2 दिनों तक बहुत दर्द झेला मैंने, आँखों में नींद नहीं थी, ना बैठ पा रही थी ना सो पा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दूसरा जन्म हो रहा है विजू। और अंत में सिजेरियन ऑपरेशन करके नानी को बाहर निकाला गया। ये तो बेवकूफ कहीं का, बहुत तंग किया मुझे। सॉरी माँ, I'm sorry माँ। सॉरी माँ। विजू, मुझे माफ कर। विजू, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ विजू? क्या हुआ बताओ ना, कहो ना विजू, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? बस ऐसे ही माँ, मैंने भी अपनी माँ को बहुत तंग किया होगा ना, आपको सॉरी बोलकर अपनी माँ को सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया माँ, मैं समझ गया कि माँ का दर्द क्या होता है। संसार में सबसे बड़ा दर्द माँ का होता है, सब समझ में आ गया मुझे माँ। अब मैं तंग नहीं करूंगा, मैं तंग नहीं करूंगा माँ, तंग नहीं करूंगा। विजू, विजू, रो मत बेटा, रो मत। मेरे तरफ देखो, बच्चों को तो तंग करना ही चाहिए, समझे? जब पेट में रहते हैं लात मारते हैं, जब बच्चा पेट में लात मारता है तो पता है उस समय माँ को कितना सुख मिलता है? अच्छा, बच्चा लात मारता ही क्यों है? माँ को खुश करने के लिए। अच्छा, मैं आपको तंग करूंगा तो आपको खुशी होगी माँ? आपको खुशी होगी तो मैं आपको तंग करूंगा, लेकिन मुझे मारना मत। ए। ए। ए दीपक, आना।
क्या हुआ? आज कौन सा दिन है? सैटरडे। मेरे साथ चल। दीपक मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये काम फिनिश करूंगा तब चलूंगा। तूने मुझे 10 दिन से कोई आइसक्रीम नहीं खिलाई ना। दीपक इसके लिए मेरे पास बस। तू मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा? ए दीपक मेरे पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक माँ का बेटा बनना पड़ेगा, 9 बजे से 6 बजे तक स्कूल का स्टूडेंट बनना पड़ेगा और 6 बजे से 12 बजे तक प्रिया का पति बनना पड़ेगा। मेरे पास आराम करने के लिए 1 घंटा भी नहीं है। माँ का बेटा बनेगा, स्कूल में स्टूडेंट बनेगा, प्रिया का हस्बैंड बनेगा, यहाँ डिजाइनर बनेगा, लेकिन तू दीपक का फ्रेंड नहीं बनेगा क्या? दीपक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल सकता है कि नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। क्या कहा तूने? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ये ले दीपक, मेरे लिए टाइम नहीं है। ए दीपक ये ले। अरे नानी, मैं तुझसे 2 साल बड़ा हूँ, तूने मुझे मारा, अब मैं सबको सच बता दूंगा, तू नहीं बचेगा। रे दीपक। तू बस कर, मैं तो सोच ही रहा हूं ना। पापा शेखर अंकल की सारी दौलत पाने के लिए हमें क्या करना होगा पापा? किडनैप। किडनैप? या अगर शेखर अंकल को सब मालूम हो गया तो? हाँ तो? फिर मैं उनका दामाद बन जाऊंगा। यानी कि फिर प्रिया और मेरी शादी होने के बाद सुहागरात कहाँ मनाए? वो बाद में करेंगे। हमें करना क्या है पापा? अरे चुप कर कथे। किडनैप, किडनैप, सबका किडनैप। ओके किडनैप। प्रिया तुम्हारा पति छोटा बच्चा है। What? तुमने अपने पति को दिन में देखा है क्या? कभी देखा है क्या? पापा शेखर अंकल को लाने के लिए किसको भेजा है? उसको लाने के लिए टाइगर को भेजा है रे। ए ए छोड़ छोड़। नो ओ प्रिया, प्रिया व्हाट इज दिस? नो छोड़ छोड़। पापा हंसना बंद करो पापा, विजय है सच मुझे आएगा कि नहीं? उसको उठाने के लिए भी लोगों को भेजा है। नानी, 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 पापा सबको बंद कर दिया लेकिन विज्जू का है पापा? यही तो है बच्चा, ये बच्चा विज्जू है। पापा आपको फिर मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा पापा। अभी टाइम क्या हुआ बे? 5:50। सिर्फ 10 मिनट रुक जा, फिर तू पागल हो जाएगा। प्रिया रो मत, मैं सबको संभालूंगा। प्रिया, you don't worry. पापा, वो प्रिया को खोला है ना, उसे मारने के लिए मना कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक जा, प्रिया ही उसे मारेगी। पापा, आप सच में पागल हो गए हैं पापा। Don't worry, प्रिया, मैं अभी विजय को भेजता हूँ। विजय को भेजेगा? आंटी, आंटी किसको बोल रहे हो? विजय तुम ही हो ना? तुम्हें सब पता चल गया? और क्या, तुम्हारे फ्रेंड दीपक ने सब बता दिया। Oh!
तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। मैंने अंकल से पूछा था, उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? तू बस थोड़े दिन कॉपरेट कर, तुझे स्वर्ग जैसी खुशी मिलेगी। तुम्हें भरोसा नहीं है तो अंकल से पूछ लो। बताओ मुझे, बताओ तुम्हें खुशी मिली थी या नहीं? तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने कितनी तकलीफ सही, उसका कोई मोल नहीं है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मुझे बेटा बनना पड़ता था, और 9 बजे से 6 बजे तक स्टूडेंट बनना पड़ता था, और 6 बजे से 12 बजे तक तुम्हारा पति और उसके साथ मुझे कंपनी का काम भी करना पड़ता था। मैं कितनी सारी तकलीफें सह रहा था पता भी है तुम्हें? मैंने कभी बोला तुम्हें? तुमने मेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मैं 8 साल का लड़का हूँ, मेरे बारे में तुमने क्यों नहीं सोचा? मैंने भी पहले इसे गलत समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। प्रिया जानती हो, जब से मेरा बेटा तुम्हारे पेट में पल रहा है तब से मैंने अपनी माँ को भगवान समझ लिया, और मेरी माँ के रूप में मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी हर बात का ख्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कभी दुख ना हो। मैं 8 साल का ही हूँ, एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझ में सारी फीलिंग्स हैं, पता नहीं कैसे। आई लव यू प्रिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिया आई लव यू। गिव मी द गन पापा, गिव मी द गन। पापा मेरे हाथ में नकली गन पकड़ा के गोली मारने को बोलते हो, नकली गन से गोली चलती है क्या? इनको छोड़ो, मुझे मारो। हाँ कमान 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 कमान। Stupid.
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक सुंदर लड़का हुआ है।
चलो जल्दी से खाना लगाओ। प्रिया। हाँ आ रही हूँ। आज क्या बनाया खाने में? आपका पसंदीदा इडली और सांबर। वेरी गुड, ठीक है तो। पकड़ो। नवाब साहब कहाँ हैं? हाय डैड। हाय मॉम। जनाब कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर क्लास डैड। कंप्यूटर क्लास में या डिस्को क्लास में? डैड आपको कैसे पता? दोपहर को तेरी गर्लफ्रेंड ने गलती से मुझे तू समझकर शाम को डिस्को में बुलाया है। बट डैड आई हैव टू गो डैड, प्लीज डैड, प्लीज डैड, प्लीज डैड, प्लीज डैड। क्या खाकर तूने इसे पैदा कर दिया? चल जा जा। थैंक्स डैड, बाय मॉम। अरे संभाल के। ओके मॉम। वो बड़ा हो गया है, संभल के जाएगा। तुम अपना काम करो, मैं एक फोन करके आता हूँ। ए नानी। अंकल वो दवा बना ली क्या? हाँ हाँ वो दवा मैंने बना ली है। ओ? और आदमी पे टेस्ट भी कर ली है। हुआ क्या? लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या हुआ बताओ ना। बस एक छोटी सी गलती हुई है। अरे हुआ क्या? अरे तू जान के क्या करेगा, दिन में जवान बनकर रात को बुढ़ा बनकर दोनों टाइम मजे ले रहा है, जिंदगी के पूरे मजे ले रहा है बेटा, बस ऐसे ही ऐश करते रहे। क्या गलती हो गई? अंकल 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 नो। क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? अंकल को फोन कर रहा हूँ। मेरे साथ बेडरूम में चलो, शादी की सालगिरह है आज, समझ में नहीं आता। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है प्रिया। बिच्छू मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिया। प्रिया प्रिया प्रिया, 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 प्रिया। क्या है? मेरी बात नहीं मानोगे तो घुड़सवारी करनी पड़ेगी। घोड़ा? नो 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 प्रिया, नो प्रिया नो। अरे प्रिया नो। चलो चलो प्रिया, छोड़ो छोड़ो प्रिया। ए ए प्रिया प्रिया।